आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, हमारे नुस्खे होते हैं वो वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए आप लोग चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेंगे। आज के वीडियो में दोस्तों हम रागी की बात करेंगे। रागी एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज आयुर्वेद में खोजी गई है जिससे आपकी डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी, आपके पेट की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है वो उससे दूर हो जाएगी। साथ ही ये आयरन का स्रोत है और इसका उपयोग कैसे करना है, एक पूरा वीडियो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रागी में कैल्शियम बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसमें 100 ग्राम रागी में 328 कैलोरी और 344 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो दूसरे अनाजों के मुकाबले 5 से 30 गुना अधिक मात्रा में पाया जाता है। बड़े और बच्चों को हड्डियों की मजबूती के लिए रागी को संपूर्ण आहार के रूप में माना जाता है। एक ग्लास पानी में एक चम्मच रागी पाउडर को मिलाने के बाद थोड़ी देर उबाल कर बनाया जाता है। इसमें नमक और मक्खन मिलाकर पिया जाता है। इसकी बनी रोटियां खाने वालों को हड्डियों में कैल्शियम की कमी से पैदा होने वाले ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोगों का खतरा बिल्कुल खत्म हो जाता है। दोस्तों, हम देख लेते हैं विस्तार से पूरा वीडियो। ये पचने में बहुत ही आसान होता है और पेट की कोई भी प्रॉब्लम है उसको भी दूर कर देता है। रागी में एक ऐसा प्रोटीन मौजूद होता है जिसका पाचन शरीर आसानी से कर लेता है। रागी हमारे शरीर में काफी धीरे धीरे हजम होता है, अतः इसको खाने से हमारा पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। रागी का आटा सेवन करने से हमें अधिक मात्रा में भोजन करने की इच्छा नहीं होती है। यदि इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो यह कुपोषण, क्षरण संबंधी रोग और असमय वृद्ध होने की प्रक्रियाओं को दूर कर देता है। दोस्तों, ये डायबिटीज को नियंत्रित कर देता है, यानी कि ये खूंटे से बांध देता है डायबिटीज को। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसलिए मधुमेह के लिए ये बहुत उपयुक्त होता है। यह स्टार्क को सुपाच्य बनाता है। उच्च फाइबर युक्त टमाटर, ककड़ी और प्याज मूली के साथ इसका इस्तेमाल अचानक ब्लड शुगर बढ़ने से रोक देता है। मधुमेह की स्थिति में यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में सहायक होता है। इससे टाइप 2 मधुमेह का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, किसी को अगर आयरन की कमी है तो रागी उसके लिए बहुत ही अच्छा स्रोत होता है, क्योंकि रागी की खपत से खून में कमी को बढ़ाया जा सकता है और उसकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। नई माओं के लिए रागी खाने की सलाह दी जाती है जिससे उनमें हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ाया जा सके। जिन माओं के स्तनों में दूध का ठीक से उत्पादन ना हो रहा हो उन्हें हरी रागी का सेवन करने की सलाह दी जाती है। दूध पिलाने वाली माताओं में दूध की कमी के लिए ये टॉनिक का कार्य करती है। कैसे उपयोग करना है, दोस्तों हर बार वीडियो में लोग लिख कर भेजते हैं और कई लोग इतनी शिकायत करते हैं कि सर आपने इसका उपयोग नहीं बताया है, जबकि हम बहुत सारे वीडियो बना चुके होते हैं जिनमें उनका उपयोग होता है। लेकिन चलिए, इसमें भी आप उपयोग देख लीजिए। रागी का सबसे ज्यादा चलन दक्षिण भारत में है। इसका सबसे ज्यादा उत्पादन झारखंड, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में होता है। हालांकि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में रागी का सबसे अधिक उपयोग होता है, इसलिए दलिये के रूप में इसको खाना सबसे अधिक सुविधाजनक होता है। आप अधिक पौष्टिक चपाती और ब्रेड बनाने के लिए गेहूं के आटे के साथ रागी का आटा नियमित रूप से मिला सकते हैं। रागी में कैल्शियम और फास्फोरस और आयरन अधिक मात्रा में होता है। इसमें लगभग 20 ग्राम रागी से 66 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। इसमें फाइबर की भी उच्च मात्रा होती है, इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि रागी को आप चाहें तो अपने आटे में मिलाकर भी खा सकते हैं, इसको दलिये के साथ मिलाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।